ठीक है। तो देखिए आप, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका वो है मतलब चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेट हमको क्या बता रहा है, अनेबल टू चार्जिंग, ठीक है, चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो जब चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले बेसिक आदमी क्या करता है, ठीक है, जैसे मैं भी बता रहा हूँ ऐसे आपको बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे पहले जब चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करोगे, अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आदमी चार्जिंग कनेक्टर बदल के देखता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर ओके है कि नहीं ओके है, ठीक है। उसके बाद अगर ये चार्जिंग कनेक्टर ओके है तो ये तो आपको चेक करने बताया गया है कैसे हो गया। अगर यहाँ हमें आउटपुट मिलता है इसका मतलब ओके है, और आउटपुट नहीं मिलता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये जो हैंडसेट है इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका जो चार्जिंग पता है ये ओके है या फिर खराब है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, इधर से पत्ता निकाल लेता हूँ और इधर मैं कैमरे की तरफ करता हूँ जैसे कि मैं इसको चेक कर सकूँ। जैसे कोई एक्टिविटी करने वाला नेटवर्क में खोलने वाला और चार्जिंग केबल इसमें लगा दिया है, ठीक है। सब सामान इधर पर हो रहा था, चार्जिंग केबल इसमें लगा लिया है। इसमें लगा करके हम क्या चेक करेंगे इसका आउटपुट, आउटपुट देखिए यहाँ पे पता दिख रहा है। और ये अधिकतर केस में ये होता है कि जैसे बार बार निकालो लगाओ तो फिर ब्रेक भी हो जाता है। इसमें चेक करने जा रहे हैं वोल्ट, तो यहाँ पे हमने सेट किया है 20 वोल्ट में और इसके कनेक्टर पे चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, आउटपुट चेक करते हैं। तो एक पूरा हमने यहाँ रख लिया, इस तरफ लिया, देखिए तो कितना वोल्टेज बता रहे हैं यहाँ पे, 5 वोल्ट बता रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर क्या है, सही है। तो अगर ये सही है तो फिर ये सप्लाई सीधा यहाँ से कहाँ जाएगी, ये सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, इस जगह में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो पत्ता है इसका वो ओके है, ये जो चार्जिंग पत्ता है ये सही है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, जब पत्ता सही है तो इसको मोबाइल में हमें क्या करना है, लगाना है, इंस्टॉल कर देना है, पहले से लगा हुआ था चेक करने के लिए निकालेंगे। तो देखिए अभी आपको ये देखना है कि जब ये पत्ता यहाँ पे लगेगा तो इसमें जब ये किनारे किनारे वाले पॉइंट में सप्लाई आ रहा है तो यानी इसका मतलब यही प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक बार इसको चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो मल्टीमीटर हमने सेट कर लिया बजर में, अगर इसमें हमें देखना है तो देखिए यहाँ रखा तो ग्राउंड जब बीप कर रहा है और ये वाला जो सिरा है ये बीप नहीं करेगा, ठीक है, देखिए बीप नहीं कर रहे हैं। तो और ये लाइन सही है कि नहीं सही है ये भी अगर आपको जानना है तो आप मीटर को रख लीजिए डायोड में, जिससे मीटर को कहाँ सेट कर लेना है डायोड में। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, देखिए वैल्यू आ रही है। अभी हम रेड को ग्राउंड में रख करके और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसमें वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है और वैल्यू आनी चाहिए तभी तो बी बस का लाइन ओके है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन आगे क्या है, कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस पत्ते को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी सप्लाई उसमें तो आ जाएगी क्योंकि वो कनेक्टर जाकर के उसमें लगेगा, ठीक है, कनेक्टर उसमें लगेगा, सप्लाई उसमें तो आ जाएगी। लेकिन जब वो लाइन कहीं आगे जुड़ी ही नहीं है तो आगे कैसे जाएगा, ठीक है, तो आगे तो नहीं जा पाएगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि ये लाइन आगे जुड़ी कहाँ रहती है तो मल्टीमीटर को फिर से हमें कहाँ सेट करना है, बजर में। और उसके बाद एक प्रॉब हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, एक प्रॉब यहाँ रखा और हम ये चेक करेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। तो ये हमने देखो ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इसमें कि स्मार्टफोन में जो चार्जिंग सिस्टम है ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से चल करके डाटा प्लस माइनस ये बी बस से होते हुए कहाँ जाती है, ओबीपी आईसी में, ठीक है। तो इसका जो ओबीपी आईसी है वो यहाँ पे था, लेकिन इसमें क्या था प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो ओबीपी आईसी है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया,
ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं दिखा था, तो मैंने कहीं निकाल के इसको रखा है। लेकिन ये कौन सी ऐसी है, ओबीपी नहीं है। तो देखिए अभी हम एक प्रॉब यहाँ रख लिए और यहाँ आकर के चेक करते हैं कि इधर बीप आ रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे चेक किया, बीप नहीं आ रहा है, और यहाँ पे चेक किया, देखिए ये हमारा कौन सा लाइन है ये, ठीक है। और यहाँ पे रखा तो बीप आया क्या, यहाँ पे रखा तो आ रहा है, ठीक है। मतलब अपना ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला वो कहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाले, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कहाँ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ रखा तो बीप नहीं आया, यहाँ रखा तो बीप नहीं आया, यहाँ रखा तो बीप नहीं आया, यहाँ रखा तो बीप आ रहा है, ठीक है। एक दो तीन, मतलब इसमें इस तरीके से तीन जगह हमें बीप कर रहा है। और इसमें कौन कौन सा पिन आपस में कनेक्टेड है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्कवरी डायग्राम में। देखिए जो ओबीपी आईसी होती है, ये 12 वोल्ट की होती है, इसके इसमें वोल्टेज हमारा यहाँ है, तो देखो तीन लेग में ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, तीन लेग में। और ये तीन जो है इसका क्या है, आउटपुट है, ठीक है, तीन इसका आउटपुट है। तो अभी हमें ये चेक करके देखना है कि जो आउटपुट है यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और ये जो इनपुट है इधर से सप्लाई जानी है, उधर की तरफ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो यानी जब यहाँ पे कोई ऐसी रहेगी तभी तो वैल्यू आएगी ना। तो जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से कहाँ जा रही है, बीबस पे, जिस पे आप चेक कर रहे थे, तभी तो यहाँ वैल्यू बताता है। जब यहाँ पे आईसी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ वैल्यू कैसे बताएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसको आती कहाँ से है, चार्जिंग आईसी से, और चार्जिंग आईसी नहीं है, पीएमआई है, तो कहाँ से आएगी, पीएमआई से, कहाँ से आएगी, पीएमआई से, ठीक है। तो पीएमआई से आएगी तो किस पे आएगी, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से कहाँ आएगी, इस पे आएगी। लेकिन अभी इसमें ये ओबीपी नहीं है, तो हमारा वैल्यू कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद ये लाइन सीधा कहाँ कनेक्टेड रहती है, पीएमआईसी के पास में एक कैपेसिटर रहेगा, वहां पे कनेक्टेड रहती है। चलिए हम इधर की तरफ आते हैं फिर से, और तो अभी यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट दिख रहा है, इसमें तो कुछ पिन जो है इनपुट का बता दिया हमें, और कुछ पिन क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड कौन कौन सी है उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, रेड प्रॉप कोई भी एक प्रॉप ग्राउंड रख लीजिए, और चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा प्रॉप ग्राउंड से जुड़ा है। देखिए यहाँ चेक किया, बीप नहीं करा है, यहाँ पे चेक किया, बीप नहीं करा है, यहाँ पे चेक किया तो करा है, और इधर चेक किया तो नहीं कर रहा है। जो ग्राउंड नहीं कर रहा है, आप एक काम कीजिए, उसी पे एक प्रॉप रख लीजिए, और पीएमआईसी के पास जाके चेक कीजिए कि यहाँ पे बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इधर की तरफ चेक किया तो देखो बीप आ रहा है, ठीक है। देखिए हमारा ये जो आईसी है, यहाँ पे जो लगी हुई आईसी, यहाँ से सीधा लाइन कहाँ बता रही है, यहाँ पे, कि यहाँ से कनेक्टेड है कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर का ये ग्राउंड बता रहा है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं, देखो हमारा लाइन ये वाले पॉइंट से बता रहा है, तो यानी हमारा जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए वैल्यू प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को डायोड में रखना है, और मीटर को डायोड में रखने के बाद रेड प्रॉप को ग्राउंड में रख लीजिए, और यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए वैल्यू, तो वैल्यू आ रही है 500 के करीब। तो देखिए अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें फॉल्ट इस आईसी का है, ओबीपी आईसी का, ठीक है। तो अभी हम इसको निकाल करके क्या करेंगे, बाईपास, ठीक है, हमने तो निकाल दिया है इसको। अभी हमें जहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था, और यहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको 5 वोल्ट मिलेगा तो यहीं से जम्पर लगा सकते हो, आप कहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी आप कैमरे में देख रहे हो तो बॉल बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बॉल बहुत छोटा छोटा है, तो हो सकता है आपसे जम्पर लगाते हो तो क्या हो जाए, गलती कहीं और टच हो जाए, ठीक है। तो आप सीधा जो ये बड़ा वाला कैपेसिटर दिख रहा है इसके ऊपर ही लगा दीजिए, वहां लगाने से अच्छा क्या है,
डायरेक्ट हम उसके ऊपर में ही लगा सकते हैं। और अगर इस जगह में टेस्ट पॉइंट अवेलेबल है तो यहाँ से लीजिए, अदरवाइज आप किधर कहाँ से ले सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर से। ठीक है, अगर वहाँ तक सप्लाई आ रही है तो देखिए अभी हम एक इसमें नया पत्ता ले रहे हैं। ठीक है, तो एक हम नया पत्ता ले रहे हैं और इसको हम इसमें लगा के देखेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ तक आती है कि नहीं आती है। यहाँ तक ये जो वो BPIC है उसके पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी ये जो IC लगी हुई है यहाँ तक सप्लाई आ रहा है कि। अगर यहाँ तक आएगा तो ये IC तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हाँ बाईपास कर देंगे और हमारी सप्लाई किसके पास आ जाएगी, BMI के पास। ठीक है, तो अभी हम इसमें नया पत्ता लगाते हैं और डायरेक्ट चेक करते हैं क्योंकि दूसरे पत्ते से थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें अभी नया पत्ता इंस्टॉल किया है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम चार्जर भी लगाएंगे, तो चार्जर लगा दिया। अब इसके बाद मीटर को सप्लाई चेक करना है, तो मीटर को कहाँ चेक करेंगे, 20 वोल्ट में। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको यहाँ से 20 वोल्ट में सेट कर लेते हैं, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट कर लिया। अब मुझे चेक कहाँ करना है, ये जगह में हमारा सप्लाई आना चाहिए तभी हम उसको बाईपास करेंगे, लेकिन अगर इस जगह में भी नहीं आया तो हम इधर हम चेक करेंगे और यहाँ पे भी नहीं आया तो कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे तो आ ही रहा है, नया पत्ता है तो यहाँ तक भी आएगा और ये पॉइंट अगर हमारा B10 में कनेक्टेड है यहाँ पे भी आएगा और ये यहाँ से बीप दे रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। तो ठीक है, हमने एक प्रॉप को ग्राउंड में रख लिया। ठीक है, और दूसरा हम इस IC के पास आकर के जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे चेक किया तो आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नया पत्ता लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब नया पत्ता लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे साइड में वो पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। मतलब जब आप इसको आप लगाते हो इसमें तो ये कनेक्टर इसमें लग रहा है, तो मतलब इस कनेक्टर में तो 5 वोल्ट है। ठीक है, देखिए क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे चेक किया था नीचे में, कौन से जगह में चेक किया था, ये चार्जिंग कनेक्टर पे, यहाँ पे हमने चेक किया था 5 वोल्ट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये B-bus वाला पॉइंट है यहाँ पे 5 वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है, तो जब तक वहां मिलेगा नहीं तो फिर यहाँ पे आएगा नहीं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ये B-bus है यहाँ पे सप्लाई नया पत्ता लगाने के बाद भी नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम किसकी है पता है, ये प्रॉब्लम इस सॉकेट की है, जो सॉकेट बना हुआ है ना इस सॉकेट की है। तो या तो इस सॉकेट को आप यहाँ डायरेक्ट जम्पर करो क्योंकि आपका ये पत्ता तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस सॉकेट को आप यहाँ जम्पर करो, उसके बाद फिर यहाँ से जम्पर लोगे तो यहाँ पे तो बीप करेगा ही रहा है, तो फिर मतलब यहाँ से आपका लाइन जम्पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी ये जो अंदर वाला पॉइंट है कि जब इसमें प्रॉपर तरीके से टच होगा तो तभी हमें यहाँ सप्लाई मिलेगी। तो इसके पास हमें कुछ करने से अच्छा है कि सीधा हम डायरेक्ट यहाँ से बाईपास कर सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर से सीधा जम्पर लगाइए और सीधा कहाँ पहुंचाइए, BMI के पास। ठीक है, तो आपका ये इधर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे जो लूज कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सीधा यहाँ से बनाइए और सीधा डायरेक्ट यहाँ तक। अगर इसकी प्रॉब्लम नहीं रहती तो हम जम्पर कहाँ लगा देते, यहाँ पे, और यहाँ से लाइन चालू हो जाती है अगर इसकी ही प्रॉब्लम रहती तो। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसलिए हम सीधा यहाँ से जम्पर लेकर के कहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं लगा देता हूँ, तो पुराने पत्ते को ले लेते हैं।
तो अभी हम लोग यहाँ पे जम्पर लगाने वाले हैं, ये वाले जगह पे, ठीक है। ये वाला प्लस था तो इस जगह में जम्पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। अब यहाँ से सीधा सप्लाई कहाँ पहुँचाएगी? EMI के कैपेसिटर के पास। अगर इस मोबाइल में चार्जिंग ऐसी होता तो कहाँ चले जाता? ठीक है, और जम्पर लगाने के बाद अभी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं चार्जिंग केबल। तो चार्जिंग केबल लगा दिया है, अब हम चेक करेंगे उस जगह में जाकर के 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मीटर तो 20 वोल्ट में सेट है, यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है, तो केबल को अच्छे से लगा लेते हैं। यहाँ पे रखा और उससे करता हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 5 वोल्ट अवेलेबल है, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, यानी ये जो हमारी PMI है इसको 5 वोल्ट मिल गया। तो अब ये आउटपुट करेगी कहाँ पे करेगी? वीबैंड पर। तो अभी हम चलते हैं वीबैंड पर और यहाँ पे रखे और यहाँ पे हम रख के देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्या? ये देखिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में आउटपुट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक बैटरी लगेगी नहीं। तो वो किसमें आउटपुट बैटरी लगने से आता है और किसमें बिना बैटरी लगे ही आउटपुट आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं समझाऊंगा यहाँ पर, वो तो हम जानकारी के लिए बता रहे हैं। उसमें देते हैं अभी चार्जिंग चालू हो गया। ठीक है, दिखा रहे हैं अभी चार्जिंग चालू नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, दिखाया से मोबाइल में शो कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। मोबाइल हम लोगों है हम बता रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे देखें इंडिकेटर में भी दिखा रहे हैं चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, बस चार्जिंग अभी निकाल दिया गया।